Today's lecture is we will be basically having overview. ऊपर से हम ये देखेंगे कि कितने फाइबर हैं, किस तरह वो डिफरेंशिएट होते हैं. ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें से पूरा ही क्वेश्चन आ जाए. क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, 10 मार्क्स का आ जाए, 5 का, 8 का आ जाए, पूरा अपने आप में बड़ा क्वेश्चन आ जाए. फिर क्या आ सकता है, गिव टू सीड फाइबर्स, गिव टू लीफ फाइबर, व्हाट आर फ्रूट फाइबर्स, व्हाट इज एनिमल फाइबर, और अपोजिट आ जाए, वूल इज अ डैश फाइबर, यानी एनिमल या नेचुरल फाइबर. ठीक है, छोटे में नेचुरल है, बड़े में एनिमल है, ऐसे आ जाएगा. कॉटन इज अ सीड फाइबर और प्लांट फाइबर और वेजिटेबल. वैसे वेजिटेबल लिखा हुआ है, वेजिटेबल प्लांट भी तुम अपना लिख लो इसे. ठीक है, तो हमने जो पहले डिस्कस किया था, ये सिलेबस का शॉर्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर एज पर, चाहे उसको नेचर कह दो, नेचर में कहां से बनता है, या एज पर ओरिजिन, वो कहां से पैदा हुआ. बेसिकली दो ही थे, या तो नेचर से है या हमने बनाया है, ये दो है. ठीक, नेचुरल फाइबर और मैनमेड फाइबर, मैनमेड फाइबर और नेचुरल फाइबर. अब नेचुरल फाइबर जो है ऐसे बनते हैं, फाइबर क्या क्या हुए, दो तरह के फाइबर्स बनाने में वहां दिक्कत आती थी, मैं यहां चार्ट बना रहा हूं. दूसरा कौन सा है, मैनमेड फाइबर्स. ठीक है, अब नेचुरल फाइबर्स दो तीन तरह के हो गए. पहला क्या हुआ, प्लांट, इसमें वेजिटेबल लिखा हुआ है, प्लांट से मिला. सेकंड बाद में देखेंगे, प्लांट एनिमल और क्या, मिनरल, धरती के अंदर से निकल रहे हैं, ये तीनों नेचुरल. अब प्लांट में स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे पहले कौन सा है, सीड, इसके आगे लिख सकते हो आप, उसके बाद में स्टेम, सीड, स्टेम. ठीक है, ऐसे कर करके ये अलग है, ऐसे बनाने हैं, लीफ फास्ट. ठीक है, यहां लिख लेना लीफ बास, जहां ये फिनिश हो जाए इसके ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये वाले हैं. फिर नेक्स्ट, जब ये फिनिश हो जाए तो यहां लिखना है एनिमल, अगर ये फिनिश नीचे वाला तो नीचे लिखना ऊपर, और एनिमल फाइबर. एनिमल में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है हेयर, बाल. ठीक है, बाल किस किस के होते हैं, वूल, शीप के होते हैं, रैबिट के, कैमल के. ठीक है, ऐसे हो गए ये लिखे हुए यहां पर. फिर दूसरा मुद्दा है कोकून से, सिल्क, और उसके बाद लिखते हैं मिनरल फाइबर. मिनरल में हम ऐसे लिखते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से कार्बन फाइबर. कार्बन जो मान लो ये खिड़कियां भी बनी हुई हैं, जो मान लो कांच को रिप्लेस कर रही है, वो बोर्ड सा बनता है ट्रांसपेरेंट, वो कार्बन फाइबर का ही है. और यू कैन से बास्केटबॉल के अंदर जो बने होते हैं, जिसमें बास्केट डालने के लिए वो पूरा शीट सी, दैट शीट इज ऑफ कार्बन फाइबर. तो ऐसे इसके बाद में ऐसे ही एरो लगा के लिख सकते हो. अगर आपका चार्ट लंबा है तो एरो ऐसे लगा देना. ठीक है, मैनमेड आर ऑफ टू टाइप, रीजनरेटेड, यहां लिखेंगे रीजनरेटेड, दोबारा से बनाना, क्योंकि बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये वाले यहां पर, यहां वेजिटेबल की जगह प्लांट लिख लीजिए. ठीक है, बिकॉज दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट, प्लांट एनिमल, प्लांट इज इजी टू रिमेंबर. प्लांट में अलग अलग है, प्लांट में रूट होती है, फिर स्टेम होती है, फिर लीफ होता है, फिर उसके बाद में सीड बनता है, सीड के बाद में फ्रूट बनता है, तो उसी हिसाब से डिवाइड करना. बास्ट, जूट, जो आपकी जूट कहां यूज होता है, जो रस्सियां बनती हैं, वो जो आपके वो बनते हैं बैग, उसमें यूज में आता है, जो ब्राउन कलर के होते हैं सारे, वो जूट, फ्लैक्स एंड कर्नी, ये रिप्लेसमेंट है. जैसे जूट कैलकटा साइड आ गया, रेम
अलग अलग प्लांट, वैसे ही सिमिलर अलग एरिया में हुए तो अलग प्लांट हो गया, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, फिर क्या बनता है लीफ, लीफ में ये आ गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सीड फाइबर। बोते भी हैं हरियाणा के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र के अंदर भी है। और फिर आगे जाएंगे तो हम सबसे अच्छी क्वालिटी जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे अच्छी क्वालिटी इजिप्ट में मिल जाएगी, हमारे इंडिया में साउथ की तरफ जाओगे तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, जैसे नॉर्थ में सबसे कम अच्छी क्वालिटी है और सबसे ज्यादा हम कॉटन ही उगाते हैं, तो इसलिए सबसे ऊपर रहता है सीड फाइबर। कॉटन का अल्टरनेटिव आ गया लिनन फाइबर, कोई शर्ट होगी तो दिखाऊंगा, बिल्कुल लिनन कॉटन जैसे ही होता, सॉफ्ट होता है, उस शाइनिंग होती है इसके अंदर, आजकल वो लिनन फाइबर भी करता है। तो वी विल बी स्टडिंग कॉटन, कॉटन और लिनन जो है ये 80% यूज में आते हैं, बाकी सब मिला के 20% यूज में आते हैं, इसलिए सबसे ऊपर रहता है। फिर फ्रूट, कोकोनट के ऊपर देखा है लंबे लंबे होते हैं, दो दो चार चार इंच के, जब कोकोनट के मतलब नारियल के ऊपर से उतारते हैं उसको यूज कर लेते हैं, साउथ में यूज में आएगा ये फर्स्ट हो गया, दिस इज प्लांट फाइबर। देन वी विल बी हैविंग एनिमल फाइबर, एनिमल में दो मेन चीज है, सबसे पहले हेयर, हेयर में सबसे पहले हम किसकी लेते हैं, शीप की, गोट की, शीप की हेयर बाल, और जो जितना ऊपर जाओगे उतना ही उसकी क्वालिटी अच्छी मिलेगी। ये क्वालिटी के नाम है मोयर, कश्मीरे, ठीक है, ये वूल की क्वालिटी के नाम है। फिर शीप के अलावा ये रैबिट में भी, कैमल के भी ले सकते हैं। और खास बात है इसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे, दो तीन प्रॉपर्टीज है वूल को अगर आपने ज्यादा गीला करके और खींचने की कोशिश की तो वो इकट्ठी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, जो आपकी स्वेटर पहनी हुई वूल की वो छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ये वहां डिस्कस करेंगे खास अलग प्रॉपर्टीज पे ध्यान रखना। सेकेंड पार्ट इज इसके अंदर एंड के अंदर कन्वोल्यूशन होते हैं, मतलब फाइबर का एंड जो निकला होगा वो ऐसे ऐसे करेगा तो स्किन को आपकी वो जब टच करेगा तो आपको खुजली होगी, इरिटेशन होगी स्किन पे, तो इसलिए दैट इज व्हाई वी यूज लेस परसेंटेज ऑफ वूल, 10-15% यूज करते हैं और इसके साथ में दूसरे फाइबर मिक्स करते हैं, मैनमेड में कॉटन मिक्स कर सकते हैं हम, एक्रेलिक इसका बिल्कुल रिप्लेसमेंट है, तो एक्रेलिक और वूल यूज करते हैं मैक्सिमम जो यूज में आ रहा है। व्हाट वी थिंक इज इट इज, क्या सोचते हैं इट इज वूल, बट एक्चुअली इट इज, इट वॉज एक्रेलिक, जिसे कैश्मीलोन भी बोलते हैं, घर में पूछोगे पेरेंट्स से तो कैश्मीलोन बोलेंगे, कैश्मीलोन एक्रेलिक। आजकल कॉटन की भी स्वेटर आने लगी, उसमें कॉटन डाल दिया, पॉलिएस्टर डाल दिया ताकि वो स्ट्रेंथ दे दे। ये पोर्शन हो गया एनिमल फाइबर का, हेयर, और फिर सिल्क, सिल्क में फिलामेंट आएगा, सिल्क को उसका कोकून बनाता है ऊपर, लगातार 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 ऐसे बनाता है, उसको फिर बॉयल कर देते हैं, अंदर का कीड़ा मर जाता है उसको, वो फिर लूज हो जाता है, उसका गम उतर जाता है जो ऊपर चिपका हुआ पार्ट, और वो फिर कई किलोमीटर लंबा भी हो सकता है, दैट इज वी कॉल एज फिलामेंट। उस फिलामेंट को काट भी सकते हैं। अब सिल्क की क्या प्रॉपर्टी है, सिल्क बिल्कुल स्मूथ होता है, उस फाइबर को यूज करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा शाइनिंग और चमक आएगी, चाहे चमक वाले या तो वो सिल्क है या विस्कोस में थोड़े चेंजेस आए या कॉटन को बहुत अच्छा क्वालिटी का डेवलप किया गया तब आता है। मिनरल फाइबर, इसमें मैंने बताया था दो चीजें हैं, कार्बन और ग्लास, ये थोड़े ज्यादा यूज में आते हैं। कार्बन का मैंने एग्जाम्पल दिया था, दिस इज नेचुरल फाइबर, देखो ये नीचे लिखा हुआ पढ़ लेना, ये बेसिक सी बात थी। अब हमने भी यह डिस्कस मैनमेड, आदमी बनाता है, आदमी एक तो क्या करेगा, कोई भी लेगा जैसे प्लांट लिया, नेचुरल चीज ली और उसको आपने कन्वर्ट करके धीरे 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 फाइबर बना लिया, दैट इज कॉल्ड एज डीजनरेटेड फाइबर। दिस वी टेक इन यूकेलिप्टस ट्री, सपोज यूकेलिप्टस ट्री जो बाहर ही लंबे लंबे लगे हुए, इनमें से लेंगे तो इनमें मेन है रेयन ही, उसका नाम विस्कोस रेयन आ जाता है, एसिटेट रेयन आ जाता है, ड्राई एसिटेट आ जाता है, ड्राई एसिटेट आ जाता है, और रीजनरेटेड के अंदर मैक्सिमम, ठीक है, रेयन होता है, और रेयन में क्योंकि ये प्लांट से लेते हैं, प्लांट के अंदर सेल्यूलोज होता है, तो ये सेल्यूलोजिक फाइबर है। एक बात और, प्लांट के जितने भी फाइबर है मैक्सिमम वो सेल्यूलोजिक होंगे,
और जो हम लेते हैं एनिमल फाइबर्स उसके अंदर मैक्सिमम हेयर होता है और वो होते हैं प्रोटीन के फाइबर, प्रोटीन के अंदर होते हैं। ठीक हो गया ये रेयॉन हो गया। इसके बाद में आ जाओ सिंथेटिक केमिकल, लिया एक केमिकल दो केमिकल रिएक्ट किए पानी में किए उसका पॉलीमर डेवलप किया काफी सारे पॉलीमर इकट्ठे में मर्ज किए तो एक जाकर फाइबर या फिलामेंट बनेगा। ये किस किस में बन सकते हैं पॉलीमर, जैसे कहते हैं ना पॉलीमर, तो पॉलीएमाइड बनेगा, पॉलीईस्टर, पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है ये देखो पॉलीईस्टर पॉलीएमाइड, ठीक है ऐसे ही करिए इन्हीं के हिसाब से बन गए नायलॉन हो गया पॉलिस्टर हो गया एक्रेलिक रिप्लेसमेंट ऑफ वूल लाइब्रेंड स्पेंडेक्स जो स्ट्रेच हो जाते हैं 2-4% डाल दो आप कॉटन के अंदर, ये सारे हैं पॉलीएमाइड ही है पॉलीएमाइड नायलॉन, नायलॉन में 6 या 6 है पॉलीईस्टर पॉलीस्टर, ये कंपनियों ने अपने अपने नाम दे रखे हैं जैसे मारुति दे दी कार तो है कोई मारुति की हो गई कोई हुंडई की हो गई तो जिस जिस कंपनी ने बनाया था पॉलीस्टर उनके नाम है ट्रेडमार्क बोले हैं। फिर ओनली विनाइल आ गया ठीक है पॉलीएक्रोनाइट्राइड ये पॉली मींस पॉलीमर एक्रोनाइट्राइड ये दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्रेलिक एक्रेलिक में भी मोड एक्रेलिक यूज करता है तो पॉली पॉलीएमाइड पॉलीएस्टर पॉलीएक्रोनाइट्राइड बाकी छोटे मोटे हैं कहीं उसमें आ जाएंगे पीवीसी पीवीसी की पाइप्स होती हैं शीट्स होती हैं ये है वो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बना लेंगे तो आपको लग रहा होगा ये प्लास्टिक जैसा है ठीक है लेकिन ये टेक्सटाइल के अंदर ही आता है। और फिर है पॉलीफिनाइल ये छोड़ दिया मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा तीन तो वो पता होना चाहिए एक्रेलिक किसमें आता है पॉलिएस्टर और ये फिर इसके बाद में पॉली यूरेथिन लाइक्रा एंड स्पेंडेक्स ये जो स्ट्रेच बस यहां तक कि आपके फाइबर हैं तीन चार फाइबर आप मान लो सिंथेटिक और 4-5 फाइबर हो गए नेचुरल।